वेलकम अगेन। आज आप देख रहे हैं एर्टिगा 2018 न्यू वेरिएंट में पुरानी वेरिएंट से क्या क्या बदलाव किया गया है और क्या ये कार वाकई में वैल्यू फॉर मनी है। डिटेल में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। नमस्कार, दार्जिलिंग टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी, क्योंकि हम लेकर आते हैं नई पुरानी कारों के बारे में ताज़ा जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एमपीवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार एर्टिगा 2018 सेकेंड जनरेशन। मारुति कंपनी इस कार को ऑलरेडी इंडोनेशिया में लॉन्च कर चुकी है और जल्दी से जल्दी इंडिया में भी एंट्री करने के कागर में है। फ्रंट लुक की बात किया जाए तो फ्रंट में काफ़ी ब्यूटीफुल लुक मिलने वाली है और फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल टोयोटा क्रिस्टा से काफ़ी इंस्पायर्ड है। कार में काफ़ी स्टाइलिश प्रोजेक्टर एंड हैलोजन मिक्सिंग हेडलैम्प स्लिंग शेप में इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट ग्रिल भी काफ़ी वाइट एंड बहुत सारी क्रोम फिनिश के साथ ब्यूटीफुल लुक देने की कोशिश की गई है। फ्रंट बम्पर पहले वाली एर्टिगा में भी काफ़ी स्टाइलिश थी, इस जनरेशन में और भी स्टाइलिश कर दी गई है। बम्पर में भी ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट बोनेट को काफ़ी कर्वी बनाने की कोशिश की गई है फॉग लैम्प राउंड शेप में, बट फॉग लैम्प के हाउसिंग प्लास्टिक में काफ़ी स्टाइलिश कर दी गई है। हेलो व्हील की बात किया जाए तो यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत एंड पतली पतली स्पोक सिल्वर फिनिश में, जो कि 15 इंच का है। टॉप मॉडल में पहले की तरह फ्रंट में मिलेगा डिस्क ब्रेक एंड रियर में मिलेगा ड्रम। ORVM बॉडी कलर में पहले की तरह, लेकिन काफ़ी सिल्क एंड शाइनिंग प्लस राउंड शेप में साइड LED इंडिकेटर्स, वो भी पहले की तरह। यहाँ पर मिलेगा क्रोम हैंडल प्लस स्मार्ट एंट्री जो पहले बॉडी कलर में मिलता था। रियर में काफ़ी स्टाइलिश LED कॉम्बिनेशन टेल लाइट L एंड राउंड शेप में। रियर में भी काफ़ी कर्वी बनाने की कोशिश की गई है, खासतौर पर टेल गेट को ज़्यादा से ज़्यादा कर्वी करने की कोशिश। अगर ओवरऑल रियर लुक की बात किया जाए तो रियर में वोल्वो इंस्पायर्ड रियर लुक मिलेगी और इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज करके और भी खूबसूरत डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है, या यूं भी कहा जा सकता है वोल्वो इंस्पायर्ड रियर लुक वोल्वो से भी ज़्यादा अच्छी कम्प्लीट डिज़ाइन एर्टिगा 2018 में मिलने वाली है। डोर प्रोटेक्टर के लिए ओल्ड एर्टिगा में भी प्लास्टिक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था और इस सेकेंड जनरेशन में भी प्लास्टिक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन साइड बॉडी पहले के मुकाबले काफ़ी कर्वी एंड स्टाइलिश कर दी गई है। ओल्ड एर्टिगा का फ्रंट एंड साइड लुक कुछ बोरिंग बोरिंग सा लगता है, लेकिन इस सेकेंड जनरेशन में फ्रंट साइड एंड रियर लुक काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिलेगी। रूफ रेल यहाँ पर पहले भी नहीं मिलता था और अभी भी नहीं मिलने वाली है। सस्पेंशन सीटअप की बात किया जाए तो पहले वाली सेम, फ्रंट में मैक पर्सन स्टार्ट एंड रियर में मिलेगा टॉर्जन बीम। अगर इंजन की बात किया जाए तो सेकेंड जनरेशन एर्टिगा में डीजल इंजन SHBS 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 1248 cc का है, जिसका पावर 88.5 bhp, टॉर्क पावर 200 nm प्रोड्यूस करती है। माइलेज 24.5 kmpl, शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पेट्रोल में 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन जो 1373 cc का है, जिसका पावर 91.1 bhp, टॉर्क पावर 130 nm प्रोड्यूस करती है। माइलेज 17.5 kmpl, शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इंडिया में वही पुरानी इंजन को ट्यूनिंग करके लाया जाएगा, क्योंकि इस इंजन का पिकअप बहुत अच्छी है, रिलायबल इंजन है और माइलेज काफ़ी अच्छी है। न्यू जनरेशन एर्टिगा नेक्सा शोरूम पर लॉन्च होगी शायद दिवाली के आसपास। अब बात करेंगे इंटीरियर की, तो पुरानी एर्टिगा का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छी थी जो टोटली बीच कलर में मिलती थी एंड डैशबोर्ड ड्यूल टोन में थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन एर्टिगा का इंटीरियर लुक की बात किया जाए तो क्या कहना है, एकदम मैचो एंड प्रीमियम लुक मिलेगी। यहां पर डैशबोर्ड के नीचे का हिस्सा पुरानी स्विफ्ट जैसी लगने लगी है एंड ऊपर वाला हिस्सा कुछ BMW 3rd एंड 4th सीरीज से इंस्पायर्ड है, लेकिन यूं भी कहा जा सकता है कि उन कारों से भी कंप्लीट एंड शाइनिंग डिज़ाइन यहां पर मिलने वाला है, खासतौर पर ड्यूल टोन डैशबोर्ड जो एसीवेंट का स्टाइल एंड वुडन टच दिया है, उससे डैशबोर्ड में काफ़ी शाइनिंग मिलने वाली है। बात करेंगे डूअर की, तो वहीं डिज़ायर वाली डूअर की स्टाइल, लेकिन सिंगल कलर में वुडन टच के साथ फैब्रिक इंसर्ट का इस्तेमाल, हैंडल क्रोम फिनिश में, पहले की तरह पावर विंडोज़ बटन, चाइल्ड लॉक, इलेक्ट्रिक ORVM कंट्रोल्स बटन सेम जगह पर इंस्टॉल किया गया है। डूअर पॉकेट्स, बॉटल होल्डर एंड स्पीकर पहले की तरह सेम, बट डूअर के लुक्स की बात किया जाए तो पहले के एर्टिगा के डूअर के मुकाबले काफ़ी ब्यूटीफुल लुक मिलने वाली है। यहाँ पर
सेकेंड जनरेशन एर्टिगा में भी मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगा पुरानी वाली एर्टिगा की तरह ही। उसके नीचे फ्यूल लिट बटन्स। अगर स्ट्रिंग व्हील की बात किया जाए तो यहाँ पर स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर वाली स्ट्रिंग व्हील सेम टू सेम मिलने वाली है, लेकिन इस कार में बीच कलर में स्ट्रिंग व्हील मिलेगी। फ्लैट बटन, वुडन टच, लेदर रैप, थ्री स्पॉक टिल्ट स्ट्रिंग व्हील यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और लेफ्ट में मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल बटन्स एंड फोन कंट्रोल और ब्लूटूथ कंट्रोल बटन्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्टाइलिश दो डायल एंड बीच में MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा। लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, MID में टाइम, फ्यूल, टोटल किलोमीटर एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात किया जाए तो इस कार में होंडा की तरह डैशबोर्ड के ऊपर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS, ब्लूटूथ, USB एंड ऑक्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा को सपोर्ट करेगा। अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात किया जाए तो इंडोनेशियन वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, लेकिन घबराइए मत, इंडियन वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी अवेलेबल होंगे। इसके नीचे USB एंड ऑक्स पोर्ट, साथ में 12 वोल्ट पावर आउटलेट सेम जगह पर इंस्टॉल्ड किया गया है, और साथ में 2 कप होल्डर्स, और इसमें अलग सी चीज़ कूलिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। पहले की तरफ 5-speed मैनुअल एंड CVT गियर बॉक्स में अवेलेबल कराई जाएगी कार। सेम जगह पर पार्किंग ब्रेक। कार में इस जनरेशन में भी फ्रंट के आर्म रेस्ट नहीं लगाई गई है। अगर सीट की बात किया जाए तो वहीं पुरानी एर्टिगा वाली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री अवेलेबल होंगे, लेकिन ये सीट काफ़ी स्मूथ एंड कम्फर्टेबल है। थाई सपोर्ट एंड शोल्डर सपोर्ट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, और साथ में हेड रेस्ट भी सेम पहले की तरह मिलेगा। सीट बेल्ट इंडोनेशियन वेरिएंट में नॉन एडजस्टेबल दिया गया है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट आएंगे, क्योंकि पुराने एर्टिगा में भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है। ग्रैप हैंडल यहाँ पर इंडोनेशियन वेरिएंट में स्टैटिक दिया गया है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में ये फोल्डेबल होंगे। सनसेट को ड्राइवर साइड सेम पुरानी वाली एर्टिगा के जैसे ही मिलेंगे। इसमें सिर्फ वैनिटी मिरर मिलेगा, इसमें लाइट नहीं मिलेंगे। फ्रंट रीडिंग लैंप पुरानी वाली एर्टिगा की तरह ही स्टैंडर्ड टाइप में मिलेंगे। रियर व्यू मिरर सेम पुरानी वाली ही मिलेंगे स्टैंडर्ड टाइप। ड्राइवर साइड सनसेट भी पुरानी एर्टिगा की तरह ही, सिर्फ टिकट होल्डर मिलेंगे। ग्लोव बॉक्स भी सेम पुरानी एर्टिगा की तरह, ना ही इसमें मिलेंगे लाइट, ना ही कूलिंग सिस्टम, लेकिन बीच में USB केबल अवेलेबल कराई गई है। अभी बात करेंगे सेकेंड रो में पहले से क्या क्या बदलाव किया गया है। पहले देखेंगे रियर डोर को देखेंगे तो ओल्ड एर्टिगा के बनस्पत काफ़ी स्टाइलिश डोर दिया गया है। फैब्रिक इंसर्ट में थोड़ा सा बदलाव एंड आर्म रेस्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। बाकी पहले की तरह सेम पावर विंडो बटन्स, स्पीकर, बोतल होल्डर। सेकेंड रो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, क्योंकि कार की लेंथ बढ़ा दी गई है तो कंफर्टेबल तो होगा ही। सेकेंड रो में इंडोनेशियन वेरिएंट में सेंटर में आर्म रेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन घबराइए मत, इंडियन वेरिएंट में आर्म रेस्ट जरूर अवेलेबल होंगे। और कप होल्डर भी साथ में मिलेगा 12 वोल्ट पावर आउटलेट की जगह चेंज कर दी गई है। पहले नीचे और साइड में मिलता था, अभी पूरा ऊपर मिलेगा। ओल्ड एर्टिगा के मुकाबले चैनल भी काफ़ी कम कर दी गई है, यानी कि सेकेंड रो काफ़ी हद तक फ्लैट मिलने वाली है। सीट एंड 2 हेडरेस्ट सेम ओल्ड एर्टिगा जैसी ही मिलेगी। सीट बेल्ट भी सेम नॉन एडजस्टेबल इंस्टॉल कर दिया गया है यहाँ पर। सारी ग्रैप हैंडल इंडोनेशियन वेरिएंट में फिक्स ग्रैप हैंडल इंस्टॉल कर दी गई है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में ये फोल्डेबल ग्रैप हैंडल इंस्टॉल्ड होंगे। ऐसी बेंड्स की बात की जाए तो सेम जगह पर सेम स्टाइल में इंस्टॉल किया गया है। सीट फोल्ड हैंडल की जगह चेंज कर दी गई है यहाँ पर। पहले साइड में मिलती थी, अब सीट के ऊपर मिलेगी और सीट को आसानी से फोल्ड की जा सकती है। अभी बात करेंगे थर्ड रो में सेम ओल्ड एर्टिगा की तरह ही साइड में आर्म रेस्ट एंड कप होल्डर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर ग्रैप हैंडल हटा दी गई है, लेकिन इसको लगवा सकते हैं। इंडियन वेरिएंट में ये शायद इंस्टॉल होके आएंगे, क्योंकि पहले वाली कार में भी ये थर्ड रो में फिक्स हैंडल मिलता है। थर्ड रो की बात किया जाए तो पहले के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल बना दी गई है, क्योंकि कार की लेंथ बढ़ गई है। एडल्ट के लिए थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन एडजस्ट करके 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, और 12 या 15 साल के बच्चे तो 3
आराम से कंफर्टेबल थर्ड रो में बैठ सकते हैं। सेकेंड रो से फ्रंट रो देखेंगे तो सेकेंड जनरेशन एर्टिगा का क्या मस्त लुक दिखती है, वाकई में प्रीमियम कार लगती है। वहीं पर अगर ओल्ड एर्टिगा की लुक देखा जाए तो काफ़ी बोरिंग लुक लगती है। बूट स्पेस की बात किया जाए तो कार की लेंथ बढ़ गई है, ओवरऑल बूट स्पेस भी बढ़ेगी। कार की बूट स्पेस 153 लीटर की कर दी गई है। सेकेंड रो सीट एंड थर्ड रो सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस और भी बढ़ाया जा सकता है और सीट फोल्ड करके बेड की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर डायमेंशन की वेरिएशन की बात किया जाए तो लेंथ 4395 mm यानी कि 4.4 मीटर पहले से 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, विद 1735 mm यानी कि 1.7 मीटर यानी कि पहले से 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। हाइट 1690 mm लगभग पहले की तरह सेम। व्हील बेस 2740 mm यानी कि 2.74 मीटर पहले की तरह सेम। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm यानी कि पहले से 5 mm कम कर दी गई है। अगर कार की सेफ्टी फीचर्स की बात किया जाए तो इस कार में बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, EBD इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, ड्यूल एयरबैग, चाइल्ड लॉक, सेंटर लॉक, पार्किंग सेंसर एंड क्रैश सेंसर। इंडोनेशियन वेरिएंट में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी अवेलेबल है, हो सकता है इंडियन वेरिएंट में भी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी अवेलेबल हो। अगर प्राइस की बात किया जाए तो ये कार लगभग 7.5 लाख से शुरू होकर 11.5 लाख तक जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कार की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की गई है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।